किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री बनते ही विकास के द्वार खोल दिए हैं। प्रतिदिन विकास के नए काम प्रारंभ किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल भोपाल के साकेत नगर में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नवीन कृषक विश्राम गृह सह प्रशिक्षण केंद्र के भूमि पूजन समारोह में पहुंचे। इस दौरान कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के लिए अत्याधुनिक कृषि तकनीक एवं उन्नत कृषि के लिए प्रशिक्षण केंद्र सह विश्राम गृह का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें उत्पादन के साथ ही अधिकतम लाभ अर्जन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार कर रही है। ये बाहर से आता है, आयात करना पड़ता है और भारत सरकार को जो लागत बढ़ती है उसके अनुसार बढ़ा है, लेकिन उसकी भी चिंता नहीं, हमने किसान की आय भी दोगुना बढ़ा दी है और हम किसानों को समझा रहे हैं कि खाद का उपयोग कम से कम करें और जैविक खेती की ओर आए तो आपके यहाँ लागत भी कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, कल ही मंडी बोर्ड में मैंने एक बैठक ली MD के साथ और हमने बोर्ड में निर्णय लिया कि हम किसानों को सुविधा देने के लिए खाद बीज दवाई के मंडी के अंदर ही गोडाउन बनाएंगे। कंपनियों को सीधी डीलरशिप वहाँ रहेगी ताकि किसान अपना माल लाए, वहीं से खाद भी दवाई ले जाए, वहीं से डीजल पंप से डीजल ले जाए और वहीं से एक किसान कैंटीन होगी जिसमें जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है तो उसमें कृषि उपकरण के साथ साथ खाद भी दवाई के साथ घरेलू किराना सामान, बच्चों के लिए कपड़े, महिलाओं के लिए जो भी सामान चाहिए वहीं से मिलेगा और 5 से 10% सस्ता और एक्सपोर्ट क्वालिटी का मिलेगा। बाजार के अंदर मिलावटी मिलता है और इसलिए किसान की आय लागत कम होगी, आमदनी बढ़ेगी और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री का सपना है, संकल्प है, उसको इस तरह से पूरा होगा। इसलिए नहीं बढ़ाया रेट तो, यार देखो अब डीजल है, ये बाहर से आता है, इसका रेट बढ़ा, इसलिए रेट बढ़ता है। बाहर से जो आएगी चीज की, जैसे आएगी लागत पड़ेगी। सरकार फिर भी सब्सिडी दे रही है इसमें, सुनिए, इसके ऊपर भी सब्सिडी है। किसान को हम बिजली का जो 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन है किसान, उस पर 1,57,000 बिल आता है। किसान से सिर्फ 7,500 लेते हैं, 1,00,000 कृषि विभाग, मैं कृषि मंत्री सब्सिडी देता हूँ, हमारी सरकार दे रही है। 5 का 63,000 बिल आता है, किसान से 3,000 लेते हैं, 60,000 हम दे रहे हैं, 14,500 करोड़ सब्सिडी दे रही सरकार सिर्फ बिजली पर। इस दौरान विधायक कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा क्षेत्र को इस सौगात के लिए मंत्री कमल पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कमल पटेल ने भूमि पूजन कर भाई दूज की अग्रिम भेंट दी है। यह कृषक विश्राम गृह 31,000 वर्ग फीट में बनेगा जिसमें सभी सुविधाएं होंगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।